नमस्कार दोस्तों, राम कलश दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्रसेल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, अगर आप गाय भैंस फार्म करना चाहते हैं तो आप विचार करते होंगे हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा दोस्तों आप लोग अक्सर मन में सवाल आता है, तो आज हम दोस्तों लेकर आया हूं कि क्या रेट चल रहा है। आप देख पाएंगे कि हम गए थे डेयरी पे, कई डेयरी हमने विजिट भी किया, तो क्या रेट कैसा चल रहा है और किस स्थिति में हमें गाय भैंस पालन करना चाहिए और किस स्थिति में हमें गाय भैंस पालन नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें दोस्तों हम लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको गाय भैंस पालन में कभी भी घाटा नहीं जाएगा, कभी भी कोई नुकसान नहीं जाएगा। तो क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो एक घंटी दिखाई देगी, घंटी को दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन लिखकर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तभी जो जाकर हमारा आपको पूरा वीडियो जो भी हम डालेंगे आपको मिलता रहेगा। अगर ऐसा नहीं दोस्तों तो आप फिर से अनसब्सक्राइब करके फिर से घंटी दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि किस तरह से हमें करना है और देखना है। जब भी आप गाय भैंस पालन करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें जो मेन स्रोत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गाय भैंस पालन कर तो लिए हैं लेकिन सबसे जो उसका मेन उद्देश्य होता है और मेन काम होता है जो सफल आपको बनाता है उसका होता है दूध का रेट। दूध का रेट से ही आपको जो भी सफलता मिलेगी वहीं से मिलेगी। तो आपको हम आज जो है इस वीडियो में सबसे पहले तो तीन डेयरी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि एक डेयरी होती है दोस्तों, आपको आसपास देखने को मिलेगा तीन दो डेयरियां देखने को मिलती होंगी तीन तरह की। एक दूध डेयरी होती है सरकारी, जिसमें एक फिक्स रेट होता है कि यही फिक्स रेट है, इससे घटेगा नहीं, मतलब उसको अपने मर्जी से नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी होगा वो फिक्स रेट रहेगा, जो भी सरकारी तरफ से घटेगा वही घटेगा। अब दूसरी जो बात आती है वो होती है प्राइवेट दूध डेयरी, प्राइवेट यानी कंपनी वाली होती हैं जो कि कंपनी द्वारा चलाई जाती हैं, तो उसमें लगभग सरकारी डेयरी से कम रहता है रेट, तो वो लोग भी अपना दूध डेयरी जो है चलाते हैं। जो तीसरे नंबर पर आता है डेयरी वो है प्राइवेट यानी पर्सनल, अपना बिल्कुल अकेले का। मान लीजिए जैसे हमारा पर्सनल डेयरी है, उसमें कोई रेट है नहीं कि बाहर से आएगा कहीं से आएगा, वो तो अपना मन मुताबिक होता है, अपने हिसाब से होता है कि हमारा जो रेट होगा उसके हिसाब से हम पैसा ले देंगे, उसके हिसाब से दूध लेंगे, वो अपने मर्जी होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करूँगा कि सरकारी डेयरी की। अगर दोस्तों आपके गांव में सरकारी दूध डेयरी है, अच्छा खासा रेट मिल रहा है, तो दोस्तों आपको गाय भैंस फार्म करना चाहिए। अगर हम रेट की बात करते हैं दोस्तों तो लगभग अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि 38 रुपया 40 रुपया 50 रुपये तक अगर दूध डेयरी में दूध जाता है आपके भैंस का तो काफ़ी अच्छा रेट है। अगर गाय के रेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कम से कम अगर बात करें 28 रुपया 30 रुपया 25 रुपया सरकारी दूध डेयरी में मिल जाता है, 35 रुपया भी मिलता है, भैंस का 50 भी पड़ जाता है। तो आपके यहाँ दोस्तों क्या रेट चल रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात आती है दोस्तों कि प्राइवेट दूध डेयरी जो कंपनी द्वारा दिया जाता है, कंपनी में भी दोस्तों ऐसा भी है कि वहाँ पर भी आपके जो दूध डेयरी में होता है, आपके भी आसपास कौन सी दूध डेयरी है हमें ज़रूर कमेंट करें और अपना रेट भी हमें ज़रूर बताएं क्या रेट आपको वहाँ चल रहा है। तो अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी द्वारा डेयरी है तो उसमें भी दोस्तों रेट देख करके आपको गाय भैंस फार्म करना है, गाय भैंस पालन करना है। दूसरे की देखी देखा नकल कभी नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घाटा नुकसान होगा। मेन उद्देश्य इसका रेट का आपको देखना है कि आपके वहाँ किस तरह से सुविधा है, हरा चारा की सुविधा, सूखा चारा की सुविधा, बांधने की सुविधा, रखने की सुविधा, पूरा सुविधा आपको मैनेजमेंट करना होगा। देखने में और करने में काफ़ी फर्क पड़ता है, लोग देख लेते हैं कि ऐसा ऐसा है लेकिन उसे करने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कितना काम कठिन है ये।
तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है कि हम देखी देखा काम करेंगे। जैसे प्राइवेट दूध डेयरी है, अगर आपको वहाँ भी अच्छा रेट चल रहा है, अगर दोस्तों 38 रुपया 35 रुपया 40 रुपया रेट है, तो जिस हिसाब से आपका खर्चा एवरेज होता है, कि कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि हरा चारा खुद खेत से हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें मैनेजमेंट करना है। अगर आप जितना खरीद खरीद कर खिलाएंगे उतना आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। और जितनी चीज़ें आप अपने खेतों में, आपके पास खेत है, आपके पास बांधने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सब चीज़ सुविधा है, तब दोस्तों अगर आपकी 38 रुपया 40 रुपया रेट जा रहा है दूध डेयरी में, तो बहुत बढ़िया रेट है। अगर हम दोस्तों रेट तीसरे डेयरी की अगर हम बात करते हैं, तो तीसरी डेयरी होती दोस्तों जो अपना पर्सनल डेयरी, कि आपके गांव में कौन सी डेयरी है, सरकारी दूध डेयरी है कि जो प्राइवेट दूध डेयरी है या पर्सनल दूध डेयरी है। ये दोस्तों आपको हम दिखाएंगे कुछ पर्सनल दूध डेयरी की लिस्ट, आप देख लीजिए। अगर दोस्तों पर्सनल दूध डेयरी की लिस्ट की हम बात करें, तो इसमें देखिए 3.10 फैट के और 8 स्नेप का 22 रुपया है। अगर 22 रुपये में दोस्तों आपका दूध जाता है, गाय का भी दूध है, तो भी कोई नहीं मतलब नहीं है, इसमें क्या होगा। 22 रुपया 25 रुपया में तो आप देखेंगे कि चोकर आता है, खली उल्ली लेने जाओ तो कितना, 20 रुपये 22 रुपया। पानी की बोतल अगर लेने जाओ रेलवे स्टेशन पर, उसका भी प्राइस, उसका कीमत दोस्तों 20 से 22 रुपया, कहीं 25 रुपये ले लेते हैं, तो इतना रेट हो गया। मान लीजिए अभी देखेंगे 5.50 फैट 8.20 एसएनएफ का 29 रुपया 48 पैसा, 29.48। ये भी दोस्तों भैंस का है कि गाय का है, नहीं इसमें शायद ये भैंस का ही है, जितने भी हैं 22-23 के ऊपर हैं वो सब भैंस के ही नज़र आते हैं। अब इसमें अगर रेट की हम बात करते हैं, आप एक रेट देखेंगे सबसे बीच में है, 33 रुपया 51 पैसा पड़ा है, और एक रेट देखेंगे 35 रुपया 75 पैसा, तो कितने फेट का है, 7.5 फेट यानी 7.50 फेट का और 8.70 एसएनएफ का, 35 रुपया 75 पैसा। तो अगर इतना रेट पड़ता है आपका, मान लीजिए ठीक है, अगर 35 रुपया 38 रुपये तक होता है, 40 भी होना चाहिए, अगर इससे लो है, 35 के नीचे जा रहा है, तो आपको गाय भैंस बिल्कुल नहीं पालन करना है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको जो भी खर्चे होंगे, आप खर्चे पूरे नहीं दे पाएंगे, आपकी जो गाय भैंस हैं उनका कायदे से आप दूध नहीं दे पाएंगे, पूरा नहीं होगा, आपको घाटा होगा, नुकसान होगा, और आपकी गाय भैंस फार्म जो है बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आपका रेट तय करना और कौन सी डेयरी है, कितना रेट दे रही है, सब देख कर ही दूध डेयरी खोलना है, नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं खोलना है। हमें उम्मीद है आप लोग सुनने आगे होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वाच।